Right, so man versus job, History TV 18. And my this time's job is that's to learn from my mentor, that's Mr. Rod, how to be a stuntman and how to be a good stuntman. Mr. Rod, how are you? I'm good, sir. आप गुड आप मैंने अभी अभी मिस्टर हमारे मेरे सर से पूछा कि सर आप इंटरव्यूज देते हो सर ने बोला कि मैं इंटरव्यू ज़्यादा नहीं देता वाई सर वाई सर इतनी सारी फिल्में आपने की है हाँ सच अ नाइस मैन इज वाई विल यू नॉट गिव इंटरव्यूज लेट्स काउंट हाउ मेनी रीसेंट आई डोंट गिव इंटरव्यू बट आई गिव डज दैट ऑन द सेम थिंग ऑन द स्क्रीन सो पीपल से बाय सो ओन देम सो जितने भी है लोग खुद ही लिख देते काम अच्छा है और हम लोगों को काम दिखता भी है सो आप यू सी ऑल रोहित शेट्टी रोहित सर्स फिल्म्स यू सी रिसेंटली आपकी लास्ट वाज रॉकी हैंसन और मतलब मैं लिस्ट शुरू नहीं करता बट ऑल दोस फिल्म्स जहां पर आपको हीरोज लुक लाइक हीरोज इज बिकॉज ऑफ हिम बॉलीवुड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने स्टंट्स खुद करते हैं ऑफकोर्स एवरीबडी नोज अक्षय सर डज हिज स्टंट्स खुद ही साथ में करते हैं अजय सर एक टाइम पे अपने स्टंट्स बहुत किया करते हैं अभी भी करते हैं उनको देख के भी बहुत कुछ सीखा हुआ है एग्रीमेंट में हमको तो हम तो स्टंटमैन तो हमको तो एग्रीमेंट में क्या करना है नहीं इनके लिए नहीं एक्टर्स के लिए तो एक्टर्स तो करता है तो एग्रीमेंट में लिखा नहीं होता है ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट में लिखते हैं नो ऐसा कुछ भी नहीं है एग्रीमेंट में लिखना है जरूरी नहीं एक्टर को सब कुछ करना है करना ही जरूरी आई मीन इट्स आवर जॉब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब मतलब अब आप कितना ही आप जितने भी स्टंट्स एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे स्टंट्स ये करते हैं और हमारा सिर्फ चेहरा आ जाता है एंड में कि वाह ये हमने हम दिस इज व्हाट वी हैव डन बट नाउ टाइम इज चेंजिंग जिस तरह से कहा कि नाउ एक्शन इज गिवन द इम्पोर्टेंस जो पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी एक्शन को तो अब वो एक्शन सीख कर सेट पर आना एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया अगर आज मुझे मैं सेट पर जाऊंगा और मुझे एक्शन नहीं आता तो मेरे जो गुरुजी उस वक्त उस दिन के मेरे डायरेक्टर होंगे रॉड सर अगर ही इज़ माई एक्शन डायरेक्टर सो ही कैन टेक माई केस वो मेरे को मना भी कर सकते हैं कि मैं शूट नहीं करूँगा तेरे साथ इस बुकते को नहीं आता और फिर क्या सोचते हैं कि लोग अगर एक्शन डायरेक्टर फिर सोच लेता है एक्शन डायरेक्टर का एक खासियत होता है जो भी एक्शन डायरेक्टर हो मैं हो या कोई भी वो आदमी का बॉडी लैंग्वेज पे समझ जाता है कि ये बंदा कितना कर पाएगा करेक्ट तो उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है एक्शन